ऐसे ही महादेव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हुआ। हेलो नमस्कार, दिस इज दीपज्योति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलास्ट दीप। तो आज हम जा रहे हैं तेजपुर। तो तेजपुर जा रहा हूँ मैं, मेरा दोस्त है एक सयन, तो उसके साथ मैं जा रहा हूँ, जो कि वहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो तेजपुर जाने के लिए मैं रोड दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये गुवाहाटी है जो कि असम का मेन सिटी है, तो बड़ा शहर है असम का। वहाँ से आपको पड़ेगा 177 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, 3 आवर्स 33 मिनट। तो यहाँ से जाना पड़ेगा ईस्ट की तरफ, ये रोड दिखा रहा है, जागी रोड, मोरीगांव, नौगांव होके यहाँ से जाना पड़ेगा। और मेरा होम टाउन है ये नौगांव, तो नौगांव से तकरीबन 60 किलोमीटर्स होती है, तो 1 घंटे की रूट है। और ये लेफ्ट साइड की तरफ देखिए, जो जंगल जैसा एरिया है, इसे कहते हैं लाउखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये वर्ष बिछा हुआ है ना, आप देख सकते हैं ऊपर से टंगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा हुआ है। टाइम रहता है, शायद शाम के वक्त ये हाथी ऐसे जानवर आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये लाउखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये हम इस ब्लू लाइन जो रास्ता देख रहे हैं, तो यहाँ से हम जा रहे हैं। अभी ब्रिज क्रॉस करके आ गए हैं, तो अभी तेजपुर जा रहे हैं। तो अभी 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होगा शायद। तेजपुर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ आसाम एंड ऑल्सो नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम। इस शहर के किनारे ही ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं जो थंबनेल पे आप लोगों ने देखा था। वहाँ पे जाके पूरा लव स्टोरी में बताऊँगा, तो पॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाला है स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए, अभी हम आ चुके हैं तेजपुर टाउन में ही स्थित अग्निगढ़ में। तो ये है अग्निगढ़ का मेन गेट, पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई हैं यहाँ से। ये मेरा दोस्त सयन जो टिकट दिखा रहा है एंटर करने के लिए। तो अग्नि मतलब आग, और गढ़ मतलब दीवार, मतलब आग का दीवार। कहानी बता देता हूँ। सामने ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये है उषा। यहाँ एक राजा हुआ करता था वानासुर, ये उनकी बेटी है उषा। और यहाँ पे देख सकते हैं उषा और उनकी सहेली चित्रलेखा। चित्रलेखा चित्र बनाने में निपुण और मायावी थी। एक बार उषा ने एक राजकुमार का सपना देखा और उनके लिए व्याकुल हो गई। जब चित्रलेखा को ये ज्ञात हुआ, तो उन्होंने उस राजकुमार का चित्र बनाया। तब पता चला कि वह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। उषा की व्याकुलता देख चित्रलेखा ने अपनी माया का प्रयोग करके अनिरुद्ध को हरण कर लिया। फिर उन दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। जब ये बात उषा के पिता यानी वानासुर को पता चला, तो वो क्रोधित हो गए और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। वानासुर महादेव के भक्त थे, और महादेव का वरदान था कि वो अपराजय रहेंगे। अग्निदेव को भी महादेव का आदेश था कि वो वानासुर की नगरी सुनीतपुर की रक्षा करेंगे। इसलिए वानासुर अहंकारी हो चुका था,
अनिरुद्ध श्री कृष्ण जी के पोते थे ये जानकर भी बंदी बना के रखा। इसके बाद श्री कृष्ण और वानासुर के बीच युद्ध हो गया। वानासुर द्वारकाधीश के सामने टिक नहीं पा रहा था तो वो महादेव के शरण में चले गए। तो महादेव युद्ध करने आए, ऐसे ही महादेव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हुआ। पूरी ब्रह्मांड में इसका प्रभाव पड़ा मगर युद्ध खत्म नहीं हो रहा था। फिर ब्रह्मदेव आए और युद्ध खत्म हुआ। नतीजे स्वरूप अनिरुद्ध और उषा का मिलन हुआ। इस युद्ध को इतिहास में हरिहर युद्ध नाम से जाना जाता है। तो अभी अग्निगढ़ से निकल रहे हैं। यही था महाभव मंदिर। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम पहुंचे थे घर 5 बजे, तकरीबन 5 बजे घर पहुंच चुके थे। तो अगर ये लव स्टोरी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप असम से बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं और ये स्टोरी आपको पहले पता नहीं था तो कमेंट करके बोल दीजिए कि कैसा लगा। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। इस लव स्टोरी के लिए ही श्री कृष्ण और शिव जी के बीच में युद्ध होगा। तो अभी हुआ है शाम के